क्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट वन को कवर करेंगे, साथ ही साथ में हम आज के कुछ वर्ड्स ऑफ द डे को देखेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली एक वोकैबुलरी क्विज को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्विज को देख सकते हैं ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जब हम इसे डिस्कस करें आपने ऑलरेडी अपने सोल्यूशन सेट्स निकाल लिए हों। ये आज का क्विज के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड ऑफ द डे के साथ मेटलसम। मेटलसम शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, वीर है, करेज डिस्प्ले करता है, वैलर डिस्प्ले करता है, स्पिरिटेड है, ब्रेव है, उसके लिए हम एडजेक्टिव मेटलसम का प्रयोग करते हैं। रॉबिन हुड वॉज अ मेटलसम यंग मैन हु वॉज ब्रेव एंड स्पिरिटेड इनफ टू टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर। सो मेटलसम शब्द का अर्थ होता है बहादुर, शक्तिशाली, वीर व्यक्ति के लिए मेटलसम शब्द का प्रयोग करते हैं। गेरीमैंडर, गेरीमैंडर एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है जालसाजी करना। जब आप दूसरों को मैन्युपुलेट करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, सो टू मैन्युपुलेट वोटिंग डिस्ट्रिक्ट्स ताकि आप फेवर कर सकें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, जालसाजी करना, ड्यूप करना, उसके लिए हम गेरीमैंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। सेवरल ईयर्स अगो सैवी, सैवी का अर्थ होता है नॉलेजेबल, पॉलिटिशियंस हैड गेरीमैंडर्ड द सिटी सेंटर टू इंश्योर देयर रीइलेक्शन। सो गेरीमैंडर, जब आप जालसाजी कर रहे हैं ताकि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से विजेता दोबारा घोषित कर पाएं। पॉलियानिश, पॉलियानिश ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जब आप अत्यंत आशावादी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, उसके लिए हम ये एडजेक्टिव पॉलियानिश का प्रयोग करते हैं। इवन इन द मिडस्ट ऑफ अ लाउसी सेल्स क्वार्टर विश्वनाथ रिमेन्ड पॉलियानिश, नेवर लूजिंग हिज श्रिल वॉइस एंड वाइड स्माइल। सो पॉलियानिश एडजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप अत्यंत आशावादी हो जाते हैं। विट्यूपरेटिव एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जब आप किसी को बहुत ही कठोरता से उनका आलोचन कर रहे होते हैं, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। टू बिरेट समवन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम। जब आप किसी को इंसल्ट करते हैं या वर्बली अटैक कर रहे हैं उसके लिए हम विट्यूपरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। टू विट्यूपरेट समवन इज़ ऑलमोस्ट एज bad as assaulting them physically. Moving on to the next word, arrivest. Arrivest, ये जो शब्द है इसे हम arrivest की तरह प्रोनाउंस करते हैं, arrivest। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कि अभी अभी धनी हुआ मनुष्य, जिसके लिए हम कहते हैं एक तरह से अभी अभी कल का नवाब है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक नया हुआ धनी व्यक्ति है। अ पर्सन हुज रिसेंटली रीच्ड अ पोजिशन ऑफ पावर, सोशल क्लाइमर, नूवो रीश भी कहा जाता है इन्हें। The arrivists had cash but no class according to the elites and aristocrats. Moving on to the antonym set practice set. अब briefly हम एक antonym के practice set को cover करेंगे। Malevolent ये जो शब्द है, mal का अर्थ होता है bad, बुरा। तो malevolent जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही unkindly होता है और kindly इसका opposite है, इसका antonym है। Ambivalent का अर्थ होता है जब आप एक तरह की दुविधा में हैं। Primitive का अर्थ होता है पुराना और malevolent का antonym kindly है। एक्स्ट्रावेगेंट हमारा नेक्स्ट सेट है। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा लैविश तरीके से सारी चीज़ों को करते हैं। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके, खर्चा करके, लैविशली किसी चीज़ को करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रावेगेंट का प्रयोग होता है। सो फ्रूगल और इकोनॉमिकल, सो इसके लिए हम फ्रूगल या इकोनॉमिकल, जब आप एकदम सोच समझ के वाइजली पैसा खर्च करते हैं वो एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनिम हो जाता है। Inevitable, inevitable के definitely होगा, पक्का होगा, तो कोई चीज़ जो uncertain है वो inevitable का antonym बन जाती है।
हाइब्रिड का अर्थ होता है एक तरह का क्रॉस ब्रीड। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि मॉन्ग्रेल जो है वो हाइब्रिड का सिनोनिम है। मॉन्ग्रेल शब्द का अर्थ होता है मिक्स्ड ब्रीड। ये अक्सर डॉग्स की रेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हाइब्रिड का सिनोनिम है। तो हाइब्रिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्योर ब्रीड, प्योर ब्रेड। प्योर ब्रेड एंटोनिम है हाइब्रिड का। एग्जोनरेट करना, एग्जोनरेट करना दैट मीन्स दोष मुक्त कर देना। और यहाँ पर इसका एंटोनिम हो जाता है जब आप किसी को अक्यूज़ कर रहे हैं। सो अक्यूज़ करना एग्जोनरेट का एंटोनिम हो जाता है। आइए अब हम क्विकली क्विज ऑफ द डे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने स्टार्टिंग में जो क्विज था उसे सॉल्व कर लिया होगा। अपेरेटिव, अपेरेटिव होता है आपका एल्कोहलिक ड्रिंक जो कि बिल्कुल सूप की तरह एक स्टिम्यूलाइजर होता है। हम अपने खाने से पहले सूप क्यों पीते हैं? ताकि हमें और भूख लग सके, वो एक एपेटाइजर होता है। सो अपेरेटिव एक ऐसी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो आप खाने से पहले लेते हैं ताकि आप और ज़्यादा आपको भूख लग सके। आप एक तरह का स्टिम्युलेंट होता है टू द एपेटाइट। दे सर्व्ड अस शैम्पेन एज एन अपेरेटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोप शब्द मैन से रिलेटेड है। एंथ्रोपोमॉर्फिक का अर्थ होता है हैविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए हम एंथ्रोपोमॉर्फिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटीडिलूवियन का अर्थ है पुराने ज़माने से संबंधित, ओल्ड फैशनड, ऐसी चीज़ विच इज़ मेड अ लॉन्ग टाइम अगो। ही हैज़ एंटीडिलूवियन नोशंस अबाउट द रोल ऑफ वीमेन इन द वर्क प्लेस। Antebellum, antebellum that means existing before the civil war. हमारा जो civil war होता है वो 1861 से 65 तक American civil war होता है। तो उससे पहले का जो time है उसे हम ante, ante before, bell means war. So antebellum before war period को हम antebellum कहते हैं। एनीमैडवर्ट, एनीमैडवर्ट का अर्थ होता है जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को सेंसर करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए हम एनीमैडवर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एनेग्नोसिस शब्द का अर्थ होता है रिकग्निशन। ये ग्रीक ड्रामा से संबंधित शब्द है। एनेग्नोसिस का अर्थ होता है जब आपको रिकग्निशन हो जाती है। Amazon हमारी वॉरियर वुमन है, ऐसी वुमेन जो एथलेटिक हैं, बहुत बहादुर हैं, वीर हैं और काफ़ी शक्तिशाली होती हैं, उन्हें हम Amazonian कहते हैं। Allegro, Allegro बहुत ही क्विकली, रैपिडली, ब्रिस्क स्पीड पे चलना, उसके लिए हम Allegro शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट वन को कवर किया, आज के क्विज ऑफ द डे को देखा और साथ में फाइव इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर टुडे को कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश रिलेटेड किसी भी चीज़ को कवर करें उसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यूज़ के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जरूर उसे कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से।